हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का सिविल स्टेप के यूट्यूब चैनल पे। यह है सिविल स्टेप की जिज्ञासा सीरीज का नया लेक्चर, जहां पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि सिविल स्टेप ने आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग पेड कोर्सेस लॉन्च कर रखे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा परिश्रम टेस्ट सीरीज कोर्स आता है, फिर हमारा यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 फाउंडेशन कोर्स आता है, फिर प्रीलिम्स 2021 क्रैश कोर्स आता है, एंड फाइनली हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 सीसेट कोर्स आता है। अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में किसी भी कैंडिडेट को डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के ऊपर जाकर वो इनके बारे में डिटेल जानकारी ले सकता है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम आज के इस लेक्चर में जिज्ञासा के डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे पैक्ट इनिशिएटिव की, जो कि गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम का पार्ट है। फिर हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट की, जो कि डिजीज इन न्यूज़ का पार्ट है। एक्सरसाइज कवच की बात करेंगे डिफेंस इन न्यूज़ डोमेन में। मीरकट रेडियो टेलीस्कोप की बात करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़ में। एंड वास्प 107B की बात करेंगे टर्म्स इन न्यूज़ में। ये जो करंट अफेयर हैं, ये हम आपके लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेज से लेकर आए हैं, द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, साइंस डेली, डाउन टू अर्थ मैगजीन। तो काफ़ी वास्ट कवरेज है हमारे करंट अफेयर्स के सोर्सेज की, और उसकी वजह से हम आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज पार्टनरशिप्स फॉर एक्सीलरेटिंग क्लिनिकल ट्रायल्स प्रोग्राम। कि इंडिया का एक प्रोग्राम है, पैक्ट प्रोग्राम, जिसका नाम है कि पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेटिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, कि जो वैक्सीन है उनके क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए कुछ पार्टनरशिप करी है। तो इस पार्टनरशिप के रिगार्डिंग आपसे कुछ स्टेटमेंट पूछी गई हैं। स्टेटमेंट वन क्या कहती है कि जो पैक्ट है, इट वॉज लॉन्च्ड फॉर सपोर्टिंग पार्टनर कंट्रीज इन कोविड 19 वैक्सीन डेवलपमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि पैक्ट वॉज लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ नेशनल बायोफार्मा मिशन। और थर्ड कहती है कि पैक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब देखो, ये तीनों ही क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट हैं, ये आपको कन्फ्यूजिंग लगेंगी। पहली स्टेटमेंट आपको बिल्कुल ट्यून लगेगी पैक्ट प्रोग्राम के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेटिंग क्लिनिकल ट्रायल और आजकल कोविड 19 वैक्सीन डेवलपमेंट के जो क्लिनिकल ट्रायल हैं उसके रिगार्डिंग न्यूज काफ़ी आती हैं। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं और फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्ट मान सकते हैं। तो जैसे ही वन आपकी करेक्ट होती है तो आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, तीन ऑप्शन बचते हैं। फिर बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की कि पैक्ट वॉज लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ नेशनल बायोफार्मा मिशन। ये एक स्पेसिफिक नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए। तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं कि पैक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको इन दो स्टेटमेंट में गैस मारना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपने पेपर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कर लिए थे और उसके बाद आपको अपनी सिलेक्शन लग रही है कि हो जाएगी, तो आपको ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने चाहिए। बट अगर आप डाउटफुल हैं कि आपके जितने क्वेश्चन हुए हैं उनमें से भी नेगेटिव होंगे और अभी आपकी सिलेक्शन डाउटफुल है, तो फिर आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको इन दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट हल्की सी सोचनी पड़ेगी कि वो सही है या नहीं है, वो है सेकेंड वाली। थर्ड वाली स्टेटमेंट पे पेपर में नेचुरली आप गलती कर जाओगे, क्योंकि आप इस स्टेटमेंट को सही मान लोगे, लेकिन एक्चुअल में स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यूपीएससी में तुक्का मारना एक नेगेटिव आदत है, गलत आदत है, जिसको हमें बहुत अवॉइड करना चाहिए। बेटर क्या होता है कि आप छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो आपको जीरो हुआ, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिल गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये BIRAC जो बायोटेक्नोलॉजी वाली हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ना कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो आपका आंसर क्या बना, 1 और 2 ओनली, ठीक है। सी, कंटेक्स्ट क्या था क्वेश्चन का, कि इंडिया अनाउंसेस सप्लाई ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन टू 6 कंट्री अंडर द ग्रांट असिस्टेंस। और यहाँ पर बोला गया था कि जो रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसने बोला है कि जो इंडिया है ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है सेवरल नेबरिंग कंट्रीज को, ताकि वो अपने जो क्लिनिकल कैपेबिलिटीज हैं कोविड 19 वैक्सीन की उनको एनहांस कर सकें और उनको स्ट्रेंथन कर सकें। और ये जो पूरा प्रोग्राम है ये अंडर द पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेटिंग क्लिनिकल ट्रायल प्रोग्राम के अंडर हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, वो है पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेटिंग क्लिनिकल ट्रायल। ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था फॉर सपोर्टिंग कोविड 19 वैक्सीन डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन दी पार्टनरिंग कंट्रीज, की जो इस प्रोग्राम में पार्टनरिंग कंट्रीज हैं, पार्टनर्स हैं, वहां पर जो कोविड 19 वैक्सीन डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इस इनिशिएटिव में दो जो मेन एक्टिविटीज हम परस्यू कर रहे हैं वो कौन कौन सी हैं, कि ट्रेनिंग फॉर स्ट्रेंथनिंग क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च कैपेसिटी इन नेबरिंग कंट्रीज, की जो उनकी क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च कैपेबिलिटीज हैं उनको हमें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है।
और उसके साथ साथ जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, वो जो इंडियन कोविड वैक्सीन है उनका जो थर्ड फेज का ट्रायल है उसको फैसिलिटेट करना नेबरिंग कंट्रीज में और फ्रेंडली कंट्रीज में। जो ये इनिशिएटिव है ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल बायरेक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। तो इसलिए वहां पर थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर जो ऑर्गेनाइजेशन है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और इसके साथ साथ क्लिनिकल डेवलपमेंट सर्विस एजेंसी भी इसमें पार्टनर है। और ये जो पूरा प्रोग्राम है ये नेशनल बायोफार्मा मिशन एंड जो इंडिया का सेपी मिशन है उसके अंडर ये चल रहा है। जो सेपी मिशन है वहाँ पर हम एक स्टेप ले रहे हैं ताकि हम एनहांसमेंट कर पाएँ, इम्प्रूवमेंट कर पाएँ जो हमारी पार्टनरशिप कंट्रीज हैं वहाँ पर वैक्सीन डेवलपमेंट की। ठीक है, यहाँ पर एक और बात आपको जो समझनी है कि जो फोर्थ मॉड्यूल था इस पर्टिकुलर पैक्ट प्रोग्राम का, वहाँ पर हमने मीटिंग करी है 44 पार्टिसिपेंट के साथ, जो कि बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल एंड श्रीलंका से आए थे। इनकी ट्रेनिंग करी गई पूरी, और उसके बाद इनका एक एग्जिट एग्जाम भी हुआ। और एक और टॉपिक जो इस पर्टिकुलर करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल बायोफार्मा मिशन। जो नेशनल बायोफार्मा मिशन था इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया था मई 2017 में, और ये जो पूरा मिशन है ये 250 मिलियन US डॉलर का मिशन है, जिसमें 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड बैंक से आ रही है। इस पर्टिकुलर मिशन के जो फोकस एरिया है वो कौन कौन से, कि जो जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे एडवांस स्टेजेस में जो प्रोडक्ट हैं उनको फर्दर डेवलप करना, और इसके साथ साथ बायोसिमिलर मेडिकल डिवाइसेज एंड डायग्नोस्टिक को डेवलप करना। इसके साथ साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और वैलिडेशन में हम यूज़ करते हैं उनको स्ट्रेंथन करना, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज को इनहांस करना, और इसके साथ साथ IPR जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है उसको क्रिएट करना और एनहांस करना, और लगभग 6 से 10 नए प्रोडक्ट अगले 5 सालों में डेवलप करने। और इस पूरे मिशन को जो इम्प्लीमेंट कर रही ऑर्गेनाइजेशन है वो है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, जो कि पैक्ट प्रोग्राम को भी आपका इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसको क्वेश्चन फॉर्म में हमने कवर किया। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है डिजीज इन न्यूज से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट किस लिए होता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीऑक्सीराइबी न्यूक्लिक एसिड जो टेस्ट है ये किस लिए कंडक्ट किया जाता है? इट विल अलाउ क्वांटिफिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लेवल इन ब्लड बाय एक्सट्रैक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम ब्लड। सेकेंड कहता है कि हेल्प इन डिटेक्टिंग पोटेंशियल साइंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन ह्यूमन बॉडी। तीसरा कहता है कि हेल्प प्रिडिक्ट विच कोविड-19 पेशेंट आर एट हायर रिस्क ऑफ सीवर कॉम्प्लिकेशन और डेथ, एंड नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब जो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है वो कहते हैं कि इसको या तो ट्यूबरक्लोसिस की आइडेंटिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं, या फिर हम ये देखने के लिए यूज़ करते हैं कि कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं उनमें से कौन सा पेशेंट काफ़ी हायर रिस्क में है जिसके पास सीवर कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी डेथ भी हो सकती है। तो आपको मैं बता दूं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है डीएनए टेस्ट जो है ये हम कोविड-19 पेशेंट्स की सीवरेबिलिटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि वो कितना सीवियर है, उसमें कितनी ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, कितना हायर रिस्क है उसको कोविड-19 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आंसर सी। कंटेक्स्ट क्या था क्वेश्चन का? कि रैपिड ब्लड टेस्ट टू आइडेंटिफाई पेशेंट्स एट हायर रिस्क ऑफ सीवियर कोविड-19। तो साइंटिस्ट ने एक रैपिड ब्लड टेस्ट यूज किया है, डेवलप किया है, जो प्रिडिक्ट कर सकता है विद इन सर्टेन डेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कि कौन सा पेशेंट ज्यादा रिस्क पर है, हायर रिस्क पर है, किसको सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, किसको डेथ हो सकती है, और इस केस में उसको एडवांस ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, उसको आईसीयू में लेके जाया जा सकता है, और उसको स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशनल ट्रीटमेंट के थ्रू भी बेनिफिट प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था वो है रैपिड ब्लड टेस्ट जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट। ये जो टेस्ट है इसको डिस्क्राइब किया गया है JSI इनसाइट में। यहाँ पर बोला गया कि इट मेजर्स द लेवल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एक यूनिक टाइप का जेनेटिक मटेरियल है जो कि एनर्जी फैक्ट्रीज ऑफ सेल में रिसाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ रैपिड ब्लड टेस्ट दैट कैन प्रिडिक्ट विद इन अ डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कि किस पेशेंट को ज़्यादा रिस्क है, किसको कम रिस्क है। वायरसेस जो होते हैं वो एक्चुअली नेक्रोसिस करते हैं। नेक्रोसिस एक फिनोमिना है जहाँ पर जो वायरस हैं वो जब बॉडी में एंटर करते हैं तो वो टिश्यू डैमेज करते हैं, और ये काफ़ी वायलेंट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है इन्फेक्शन का, और इसके बाद क्या होता है कि सेल ब्रेक डाउन होते हैं और उनके जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैं वो रिलीज होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्प्लिट आउट हो जाते हैं, और ब्लड स्ट्रीम इंडिकेट करता है कि इनमें कितना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, और उससे हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी में कितनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुकी है। तो जिस पेशेंट का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ज़्यादा होगा उस पेशेंट की सेवरेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसके सीवियर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी, और इसलिए उसको हम अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं एट वेरी अर्लीस्ट मोमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू द स्टडी दिस एसोसिएशन हेल्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ अ पेशेंट एज
सेक्स अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन की जो ये एसोसिएशन है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट वाली, जहाँ पर हम कोविड-19 की सेवेबिलिटी चेक करते हैं, ये इंडिपेंडेंट है कि पेशेंट की एज क्या होगी, सेक्स क्या होगा और उसके पीछे कोई हेल्थ कंडीशन है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू दी साइंटिस्ट जो ये टेस्ट है वो काफ़ी क्विक है परफॉर्म करने के लिए। इसके साथ साथ ये वही मशीन्स यूज़ करता है जो कि स्टैंडर्ड पीसीआर टेस्ट में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को कवर किया। अब आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। टर्म्स इन न्यूज़ का एक क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन का। क्वेश्चन ये कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियाज एक्सरसाइज कवच। इंडिया की एक डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज कवच। और यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपको इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं वो सारी ही इनमें इंक्लूड करी गई हैं। और सेकंड बोला गया कि इट वाज कंडक्टेड अंडर द एजिस ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। तो यहाँ पर आपको इस एक्सरसाइज के बारे में काफ़ी डेफिनेट पता होना चाहिए था, तभी आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्सरसाइज कवच है, कवच का मतलब क्या होता है कि प्रोटेक्टरी एक इक्विपमेंट टाइप का। तो ये अंडमान एंड निकोबार कमांड ने ही कवर करवाई है और ये इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड चारों की पार्टिसिपेशन के थ्रू हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? आंसर सी। अब कंटेक्स्ट क्या था क्वेश्चन का कि ट्रेनिंग फॉर जॉइंट ऑपरेशन इन अंडमान सी एक्सरसाइज कवच कि एक लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। देखो जॉइंट वर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा फॉर्म ऑफ आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है। तो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है एक्सरसाइज कवच, जहाँ पर इंडियन आर्मी थी, इंडियन नेवी थी, इंडियन एयरफोर्स थी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड थे। और ये अंडमान एंड निकोबार कमांड ने कवर करवाई है और जो कि वर्ल्ड इंडिया की जो कि इंडिया की ओनली जॉइंट फोर्स कमांड है। एक्सरसाइज कवच के बारे में आपको बता दूं कि इसमें चारों फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया था, आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने एंड कोस्ट गार्ड ने। इसको अंडमान एंड निकोबार कमांड ने कंडक्ट करवाया था। और यहाँ पर जो मेन ऑप्शन था, मेन एप्लीकेशन थी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की, वो क्या थी कि हमें मैरीटाइम सर्वेलेंस को इंक्रीज करना है, कोऑर्डिनेटेड एयर एंड मैरीटाइम स्ट्राइक्स को चेक करना है, एयर डिफेंस चेक करना है एंड सबमरीन एंड लैंडिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। यहाँ पर जो जॉइंट फोर्सेज थी दे एग्जीक्यूटेड ऑफेंसिव एज वेल एज डिफेंसिव मैन्यूवर्स इन द अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। और जो ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का जो एम था वो ये था कि जो हमारी अगर मान लो कभी वॉर होती है तो हम अपनी जॉइंट वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज को चेक कर सकें, उनको फाइन ट्यून बना सकें। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ थी जो आपके साथ मैंने शेयर करी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इट इज इन फ्रॉम द डोमेन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन न्यूज़। क्वेश्चन क्या है कि मीरकट रेडियो टेलीस्कोप, MIRK-80 रेडियो टेलीस्कोप वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ, कि किस वजह से ये रेडियो टेलीस्कोप हमें न्यूज़ में सुनने को मिला। देखो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है बट ऐसे क्वेश्चन अब यूपीएससी कई बार पूछ लेता है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को भी टैकल करना पड़ेगा, प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। तो जो मीरकट रेडियो टेलीस्कोप है साउथ अफ्रीका का, ये इस वजह से न्यूज़ में था क्योंकि इसने दो जाइंट रेडियो गैलेक्सीज की डिस्कवरी करी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर सी। कंटेक्स्ट क्या था कि डिस्कवरी ऑफ टू न्यू जाइंट रेडियो गैलेक्सीज ऑफर्स फ्रेश इनसाइट इनटू द यूनिवर्स, कि जो दो नई जाइंट रेडियो गैलेक्सीज की खोज हुई है ये हमें नई इनसाइट प्रोवाइड करेगा यूनिवर्स के बारे में। और ये डाउन टू अर्थ मैगजीन में ये आर्टिकल आया था जहाँ पर बोला गया कि जो साउथ अफ्रीका का पावरफुल मीरकट रेडियो टेलीस्कोप है जो कि कारू रीजन जो कि एक सेमी एरिड एरिया है वहाँ पर लोकेटेड है, इसने दो न्यू जाइंट रेडियो गैलेक्सीज को डिस्कवर किया है। जो ये रेडियो गैलेक्सीज होती हैं इनका नाम इसलिए रेडियो गैलेक्सी पड़ा है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी रेडियो लाइट एमिट करते हैं, काफ़ी ह्यूज बीम्स ऑफ रेडियो लाइट जिनको जेट फॉर्म में ये एमिट करते हैं। और दिस हैपन थ्रू द इंट्रैक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नियर द ब्लैक होल्स एट द गैलेक्सीज हार्ट, कि जो ये बहुत बड़ी रेडियो गैलेक्सीज होती हैं इनके जो सेंटर में एक ब्लैक होल होता है जहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की इंट्रैक्शन की वजह से रेडियो जेट्स या रेडियो लाइट काफ़ी अमाउंट में एमिट होती है। और ये जो जेंट गैलेक्सीज हैं ये काफ़ी बड़ी गैलेक्सीज होती हैं फ्रॉम दी अदर गैलेक्सीज ऑफ द यूनिवर्स, और लगभग 800 जेंट गैलेक्सीज अभी तक पाई गई हैं। एक्चुअली होता क्या था कि जो ये रेडियो लाइट एमिट करते थे वो बहुत सारे टेलीस्कोप उनको नहीं कवर कर पाते थे, बट जो मीरकट रेडियो टेलीस्कोप है इसने ये ऐसा कर लिया क्योंकि इसमें पावर थी कि ये बहुत ही फेंट, बहुत ही डिफ्यूज लाइट को भी ये कवर कर सकता था, उसको कैच कर सकता था। ठीक है, अब मीरकट टेलीस्कोप के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि ये साउथ अफ्रीका के कारू रीजन में लोकेटेड है जो कि एक सेमी एरिड एरिया है साउथ वेस्ट ऑफ द कंट्री में। मीरकट में लगभग 64 एंटीना हैं और डिशेस हैं और ये 2018 के बाद डाटा कलेक्ट करना इसने शुरू किया था।
ठीक है। और इसकी जो डाटा कलेक्शन है वो जाती है मीरकट इंटरनेशनल गीगाहर्ट्स टायर्ड एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एक्सप्लोरेशन सर्वे में, जहाँ पे पूरा डाटा आपका एक्सप्लोर होता है। और इसके साथ साथ जो इसका रिफ्लेक्टर है उसमें लगभग 13.5 मीटर का इफेक्टिव डायमीटर है, काफ़ी बड़ा ये साइज़ है। और इसको हम बोलते हैं ऑफसेट ग्रिगोरियन, है ना, या ग्रिगोरियन। और उसके बाद देर आर नो स्ट्रट्स इन द वे टू ब्लॉक और इंटरप्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, इसी वजह से ये काफ़ी फेंट लाइट को भी कैच कर लेता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपका शेयर करी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ रिगार्डिंग टर्म्स इन न्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि वास्प 107b रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज, एक टर्म सुनी गई है वास्प 107b, और आपको बताना है कि ये टर्म किस से रिलेटेड है। इज इट अ पावर सुपर पफ एक्सोप्लैनेट, इज इट अ मॉलवेयर, इट इज इट अ एंटी सैटेलाइट मिसाइल, और इट इज अ टेलीस्कोप। कि आपको बताना है कि इनमें से क्या है वास्प 107b, क्या ये एक्सोप्लैनेट है, क्या ये मॉलवेयर है, क्या ये एंटी सैटेलाइट मिशन है, क्या ये एक टेलीस्कोप है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, क्योंकि ये एक एक्सोप्लैनेट है जो रिसेंटली 2017 में डिस्कवर किया गया था और आज ये न्यूज में था। कंटेक्स्ट क्या है कि अ सुपर पफ प्लैनेट लाइक नो अदर, कि जो एस्ट्रोनॉमर है यूनिवर्सिटी डी मॉन्ट्रियल के, उन्होंने बोला है कि एक गैस जाइंट प्लैनेट फॉर्म अ लॉट मोर इजिली देन प्रीवियसली बिलीव्ड, कि अगर एक गैस जाइंट प्लैनेट है तो वो काफ़ी इजिली बन जाता है, काफ़ी इजिली प्रिपेयर, काफ़ी इजिली फॉर्म हो जाता है जितना हम पहले सोचते थे। तो ये जो वास्ट 107b है ये बेसिकली एक जाइंट एक्सो प्लैनेट है जिसको सुपर पफ या कॉटन कैंडी भी बोला जाता है, इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट था। ये एक नेपच्यून लाइक एक्सो प्लैनेट है जो कि के टाइप स्टार की कैटेगरी के आसपास ऑर्बिट करता है। इसका जो मास है वो लगभग 30.5 टाइम्स ऑफ अर्थ है, 5.7 डे ये कंप्लीट लेता है वन ऑर्बिट को कंप्लीट करने में, और इसका जो डिस्टेंस है इसके स्टार से वो 0.055 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इसका जो साइज है वो जुपिटर के बराबर है, लेकिन ये लाइटर काफ़ी है क्योंकि ये गैस से बना हुआ है, इसलिए काफ़ी लाइटर है एज कम्पेयर टू जुपिटर। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल के एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने बोला है कि इमेंस गैस एनवेलप सराउंडिंग जेंट प्लैनेट्स इज नॉट दैट डेंस एंड नॉट दैट डेंस एंड गैस जेंट प्लैनेट्स फॉर्म अ लॉट मोर इजिली देन प्रीवियसली बिलीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक जो आपका वास्प 107b है इसने बोला है कि दैट हैव नो एनालॉग इन आवर सोलर सिस्टम अलाउ अस टू बेटर अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ प्लैनेट फॉर्मेशन, कि हमारे पास ऐसा कोई एग्जांपल नहीं था जो हमें ये बता सके कि गैस प्लैनेट्स किस तरीके से बनते हैं। लेकिन जो वास्ट 107b मिला है इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डिस्कवरी दी है जिसकी वजह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गैस जेंट प्लैनेट किस फॉर्म में बनते हैं, कितनी जल्दी बनते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है या लाइटर फॉर्म है वो किस तरीके से होती है। तो प्लैनेट टाइप क्या है, नेपच्यून लाइक, डिस्कवरी कब हुई 2017 में, मास कितना है 30.5 टाइम ऑफ अर्थ, प्लैनेट रेडियस कितना है लगभग जुपिटर के साइज का, और एस्ट्रोनॉमिकल रेडियस ऑर्बिटल रेडियस कितना है इसका, कि इसके स्टार से इसका डिस्टेंस कितना है 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑर्बिटल पीरियड कितना है 5.7 डेज, इसेंट्रिसिटी कितनी है कि इसका जो ऑर्बिट है उसका जीरो से डेविएशन कितना है, परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट से कितना डेविएशन है वो है 0.06, और डिटेक्शन मेथड किस मेथड से डिटेक्ट हुआ है वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एक ऐसा मेथड है कि जैसे मान लो एक ऑब्जर्वर है, हमारा टेलीस्कोप है और एक यहाँ पर स्टार है, तो इसकी एक लाइट आ रही है, लेकिन जैसे ही कोई चीज़ इसके आगे से निकलेगी तो ये लाइट में हल्का सा फर्क पड़ेगा और उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वहाँ पर कोई एक्सोप्लैनेट है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी साइंस डेली की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो थैंक यू वेरी मच, ये था आज का जिज्ञासा सीरीज का लेक्चर। मैं आशा करता हूँ कि आपने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रखे होंगे, अगर नहीं किए तो आज के लेक्चर से आपके टॉपिक कवर हो गए। देखो, करंट अफेयर एक ऐसा डोमेन है जहाँ पर आपको खुद काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है न्यूज़पेपर पढ़ के, और अगर आपको कहीं भी कोई नॉलेज मिले तो उसको पक्का पकड़ लीजिए, क्योंकि प्री के लिए जितनी वाइड नॉलेज आप कवर करेंगे उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि कई बार जो टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो अगर आपकी वाइड नॉलेज थी, आपको डीप में नहीं भी पता तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।